तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का रामनवमी का ग्रुप वाला पोस्टर एडिटिंग अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हो बिल्कुल आसान तरीके से, तो गाइस बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। और गाइस, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पोस्टर का PLP फाइल का लिंक मिलेगा, जिसको मैंने एक जी फाइल के अंदर रखा हुआ है। तो जी फाइल में पासवर्ड लगा, तो पासवर्ड आपको इस वीडियो के अंदर 4 स्टेप में देखने को मिलेगा। तो बिना स्किप के वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि आप लोग भी ऐसा पोस्टर बना सको। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पिक्सल ऐप है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को हम लोग ओपन करते हैं। तो पिक्सल ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको ऊपर की तरफ राइट साइड में एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा open.plp फाइल, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा PLP का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करोगे तो ये तो इस पोस्टर को डाउनलोड करके उसके जी फाइल को पासवर्ड डालकर एक्सट्रैक्ट करोगे, तो आपका PLP फाइल का लिंक यहीं पर आएगा। तो आप डाउनलोड करोगे तो आप सबसे नीचे की तरफ आएगा। तो मैं पिक्सल लैब में बनाया, तो चलो पिक्सल लैब ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा रामनवमी ग्रुप पोस्टर 2 PLP करके, तो उस पर आपको क्लिक करके ओपन एंड्रॉइड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा एक बार बैक आ जाना, और बैक आने के बाद गाइस देख सकते हो कि हमारा बनाया हुआ पोस्टर ग्रुप वाला कुछ इस प्रकार से ऐड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो, और यहाँ पर अपना फोटो ऐड करना चाहते हो और अपने दोस्त का ऐड करना चाहते हो। तो चलो गाइस, मैं सबसे पहले यहाँ से इस फोटो को हटाता हूँ और एक दूसरा फोटो इसमें ऐड करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो इस फोटो को टाइप करने के बाद इसमें फोटो ऐड करना है, तो इस वाला ऑप्शन पर आना, इनपुट पर क्लिक करना, और जैसे ही इनपुट पर क्लिक करो तो ये डायरेक्ट आपके गैलरी के अंदर लेके जाएगा। तो वहाँ से आप लोग कोई सा भी एक PNG फोटो सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं ये वाला फोटो सेलेक्ट करता हूँ, और इस फोटो को थोड़ा कटआउट कर लूँगा। और कटआउट करने के बाद यहाँ पर आपको एक रोटेट का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना, और यहाँ पर एक सही का निशान मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना। और फोटो ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर एक वाइट सर्किल मिलेगा, तो इसको आपको पकड़ करके इस फ्रेम के हिसाब से इस फोटो को एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर मैंने इस फोटो को इस फ्रेम में एडजस्ट कर लिया। तो इस तरह से बारी बारी से इन सभी फ्रेम में अपने दोस्त का फोटो ऐड कर लेना है। और पोस्टर पूरी तरह से बन जाने के बाद सेव करना है, तो ऊपर की तरफ आपको एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। सेव एज इमेज और एक ऑप्शन मिलेगा सेव टू गैलरी, तो उस पर आपको क्लिक करते ही आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को इस पोस्टर पर बॉर्डर लगाना नहीं आता है, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है पोस्टर पर बॉर्डर कैसे लगाए, तो उसको जाकर आप देख कर इस पोस्टर पर बॉर्डर लगा सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग पोस्टर एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।